बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं लुक एट मी। मैं हूं अब्दुल्ला। आज की स्पेशल एपिसोड में हम आपको हज़ारा मोटरवे की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे पर बुरहान इंटरचेंज के करीब से ताकोट तक हज़ारा मोटरवे का मंसूबा बनाया गया है। इस मोटरवे की कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। इस मंसूबे की बदौलत कराकरम रोड पर सफ़र करने वाले हसन अब्दाल, हरिपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेरा, शंक्यारी जैसे शहरों को बआसानी बाईपास कर जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए मज़ीद अपने सफ़र को जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिए और कुदरत के हसीन मनाजिर को एंजॉय करते रहें। हज़ारा मोटरवे पर पहली इंटरचेंज कस इंटरचेंज आती है। यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है जिस मकाम पर अभी हम मौजूद है। हज़ारा मोटरवे कुशादा, साफ सुथरी और प्रॉपर मोटरवे है। जारी कस के थोड़ी ही देर बाद कोट नजीबुल्ला और हितार इंडस्ट्री स्ट्रीट का एग्ज़िट पॉइंट आता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, इस खूबसूरत ड्रोन नज़ारों को एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल लुक एट मी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोट नजीबुल्ला से आगे एग्ज़िट पॉइंट हरिपुर की आती है। ये काफ़ी बड़ी और अहम इंटरचेंज है। खानपुर डैम जाने वाले सियाह भी इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हरिपुर इंटरचेंज। इस वक्त हम हरिपुर इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं नाज़रीन।
हज़ारा मोटरवे का पहला फेज़ शाह मकसूद पर आकर ख़त्म हो जाता है। शाह मकसूद से आगे वाला फेज़ जून 2020 ओपन किया गया था और इस फेज़ के बनने से शाह मकसूद से मानसेरा तक सड़क खोल दी गई। इस तरह एबटाबाद हवेलियाँ मानसेरा जाने वालों को बड़ी सहूलत मिली। नाजरीन, 3 साल पहले M1 से शाह मकसूद इंटरचेंज तक हज़ारा मोटरवे का 45 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके खोल दिया गया था। इस हिस्से के खुलने से हसन अब्दाल, हरिपुर शहर बाईपास हो गए थे और फिर इसके बाद शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेरा तक मज़ीद 50 किलोमीटर हिस्सा खोल दिया गया। तो चले अपने सफ़र को मज़ीद जारी रख। ये इस हिस्से की पहली टनल है। इस इंतहाई खूबसूरत टनल की लंबाई तकरीबन 2.25 किलोमीटर है। इसमें रोशनी के लिए लाइटिंग, हवा के गुजरने का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। डबल लेन इस सुरंग में छोटी गाड़ियों की हद रफ्तार 60 जबकि बड़ी गाड़ियों की हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तय की गई है। हज़ारा मोटरवे के इस हिस्से पर यह दूसरी टनल है। इसकी लंबाई तकरीबन 390 मीटर है। यहाँ पर भी रफ्तार वही 50 और 60 किलोमीटर है। अगर किसी वक्त टनल के अंदर लाइटिंग ना जल रही हो तो आपको ज़्यादा रोशनी के लिए अपनी गाड़ी की ज़रूरत पड़े तो आप हेडलाइट चला सकते हैं। हज़ारा मोटरवे की खूबसूरती के बारे में जितना सुना और देखा था माशाल्लाह इसने मायूस नहीं किया। इन सरसब्ज और शादाब और खूबसूरत वादियों में बलखाती हुई सड़क जा रही है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। नाज़रीन, आप जो सड़क के किनारे ब्लॉक्स देख रहे हैं ये लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं जो बहुत अहम काम के साथ साथ देखने में भी इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। मकसूद से हज़ारा मोटरवे के ज़रिए मानसेरा जाते हुए एबटाबाद के बाद सिर्फ एक इंटरचेंज ही रास्ते में आता है जिसे एबटाबाद मानसेरा इंटरचेंज कहा जाता है।
इसका करीबी शहर कलंदराबाद बनता है और कलंदराबाद मानसेरा और अहमदाबाद के तकरीबन दरमियान में वाक़ है। हज़ारा मोटरवे पर चंद चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखा गया है, जिनमें से रोड लाइट्स, प्रॉपर लेन, साइन बोर्ड जिनके ऊपर शहरों के नाम दर्ज हैं और इंटरचेंज आने पर रोड पर एरो के निशानात भी शामिल हैं। इसके अलावा फ्यूल स्टेशन, सर्विस एरिया और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। फेज 3 मानसेरा से थाकोट, इसका आगाज एक टनल से होता है। एंजॉय कीजिए। हज़ारा मोटरवे का मंसूबा इस्लामाबाद पिशावर बुरहान इंटरचेंज के करीब से शुरू किया गया था, जिसके पहले फेज में शाह मकसूद तक सड़क को मुकम्मल किया गया। इस 40 किलोमीटर के फेज में हसन अब्दाल और हरिपुर के शहरों को बाईपास किया गया, जबकि फेज़ 2 में शाह मकसूद से मानसेरा तक सड़क को खोल दिया गया। इस फेज़ की लंबाई तकरीबन 60 किलोमीटर है। इस फेज़ के बनने से हवेलियां और एबटाबाद शहर की मुश्किल ट्रैफिक से बाईपास मिला और अब इसका तीसरा और आखिरी फेज़, जिसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ताकोट तक खोल लिया गया है। इस फेज़ के बाद मानसेरा और शिंक्यारी जैसे शहरों को बाईपास मिला और इस फेज की कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। मानसेहरा टनल की कुल लंबाई 2528 मीटर है, जो कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर बनती है। ये टनल सिंगल लेन है, लिहाजा ओवरटेक करने का सोचे बिना। टनल में खुदा ना खास्ता आग लग जाने की सूरत में फायर एक्सीब्यूटर रखे गए हैं, ताकि बरवक्त इस पर काबू पाया जा सके। किसी इमरजेंसी की सूरत में अगर आपको गाड़ी रोकनी हो तो इसके लिए फासले पर एक्स्ट्रा लेन दी गई है, ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। इमरजेंसी की सूरत में अगर इंतज़ामिया से रابطے की ज़रूरत हो तो इमरजेंसी कॉल के लिए टेलीफोन बूथ भी फासले पर नज़र आते हैं। अगर जल्दी में टनल से बाहर निकलना पड़े तो टनल के इन और आउट का फासला बता दिया गया है, ताकि आप ठीक समत में ट्रेवल कर सकें। मानसेरा टनल से निकलने के कुछ देर बाद शिंक्यारी का कट आ जाता है। उल्टे हाथ पर मुड़ने पर आप बफा और बजना जा सकते हैं, और शिंक्यारी जाने के लिए आपको सीधे हाथ मुड़ना होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हरे भरे बुलंद पहाड़ और दामन में लहलहाते खेतों से गुजर कर जाना भी बहुत खुशगवार एहसास है। सड़क से आपको छोटे छोटे घर नज़र आते हैं और मकामी लोग काम काज में मसरूफ हैं, और इर्द गिर्द की ग्रीनरी आपके मूड को ताज़ा दम कर देती है। हज़ारा मोटरवे का ये फेस इंतहाई खूबसूरत है। कुदरत के रंग इतने गालिब हैं कि सफ़र का पता भी नहीं चलता, और सफ़र पर थकावट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
कभी पहाड़ सड़क से दूर चले जाते हैं तो वादी का मंजर महसूस होता है, और कभी सड़क के दोनों अतराफ में पहाड़ आकर हज़ारा मोटरवे के हुसन को मज़ीद चार चांद लगा देते हैं। सफ़र पर कहीं जगह ऐसी आई जहां मन किया कि गाड़ी रोककर कुछ देर इन कुदरती नेचर से हम कलामी की जाए, मगर वक्त की कमी के बाइस हमें पहले ताकोट पहुँचना है। मानसेरा टनल के बाद दूसरी टनल कारमन की आती है, जो कि ज़्यादा तवील नहीं है। इस टनल में भी पिछली टनल्स की तरह फायर एक्सटिंग्विशर, टेलीफोन बूथ, इमरजेंसी लेन की सहूलत दी गई है और ट्रैफिक के महफूज बहाव को यकीनी बनाया गया है। इस टनल में भी वही सहूलियात दी गई है जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। इसमें भी तमाम वो सहूलियात मौजूद है, फायर एक्सटिंग्विशर, टेलीफोन बूथ, लेन वगैरह, एक्स्ट्रा लेन, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। तो टनल माशाल्लाह हज़ारा मोटरवे के बड़े खूबसूरत बनाए गए हैं, साथ में सर्विस एरिया भी आ चुका है। तो बटल टनल के बाद बटग्राम का कट आता है और आपका सफ़र मज़ीद खुशगवार हो जाता है। नाज़रीन, सफ़र जारी है हमारा और हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। अगर आप भी ड्राइविंग के शौकीन हैं और आप में ड्राइविंग के जरासीम मौजूद हैं, तो हज़ारा मोटरवे आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकता है। ये लो भाई, ताकोट टनल आ गई और गुजर भी गई। इसके बाद जितने भी गांव और शहर हैं वो खुद ही सड़क के ऊपर आ जाते हैं और यह सड़क साल के 12 महीने चलती है। तो नाज़रीन, ताकोट शहर पर आकर हमारा सफ़र ख़त्म होता है और हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।